नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सक्सेना एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो में ITR 2 कैसे भरते हैं इसकी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और हाँ, लाइक कमेंट एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए ITR 2 फॉर्म क्या है और इसको भरने की आवश्यकता कब पड़ती है, ITR 1 और ITR 2 में क्या फ़र्क है और ITR 2 कब भरा जाता है, ये सब के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस फार्म का नाम ही ITR 2 है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है। तो दोस्तों, ITR 2 में हर चीज़ डबल है, यानी यदि आपकी इनकम सैलरी से है तो, और आपने ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल 19-20 में जॉब चेंज किया है और आपके 2 एम्प्लॉयर हैं, यानी आपकी सैलरी 2 जगह से आई है और दोनों जगह से TDS कटा है, तो आपको ITR 1 नहीं ITR 2 भरना है। ऐसे ही यदि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है और वो भी सिंगल प्रॉपर्टी से ना होकर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से है, तब भी आपको ITR 2 ही भरना है। या आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम 5,000 से ज़्यादा है तब भी आपको ITR 2 ही भरना है, या फिर आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस है तो भी आपको ITR 2 ही भरना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ITR 2 फॉर्म को कैसे भरना है या कौन कौन से शेड्यूल हैं जो हमें भरने ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और कमेंट एंड शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, ITR 1 में कभी भी कोई भी इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से पहले हमें उसकी कंप्यूटेशन तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटेशन तैयार करने से हमें ये जानकारी मिल जाती है जो भी हमने फार्म भरा है सही भरा है या गलत भरा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए कंप्यूटेशन जरूर तैयार रखें। ये देखिए, मैंने कंप्यूटेशन पहले से ही तैयार कर रखी है। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये देखिए, ये आपकी कंप्यूटेशन खुल गई है। कंप्यूटेशन में कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। ये देखिए, नेम लिखना है SSC का, उसके पिताजी का नाम लिखना है, एड्रेस घेरना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ घेरनी है, पैन नंबर घेरना है, आधार नंबर डालना है, स्टेटस क्या है उसका, इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, क्या है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की आप कंपटीशन तैयार कर रहे हैं वो डालनी है, और कौन सा असेसमेंट ईयर है आपका, ये घेरना होता है, और पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम में कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है। ये देखिए, जैसे मेरे क्लाइंट की इनकम फ्रॉम सैलरी है, ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख दिया, सैलरी रिसीव जो भी उन्हें रिसीव्ड हुई है, डिडक्शन एक आई हुई है अंडर सेक्शन 69IA में, फिर 50,000 रुपये की सैलरीड एम्प्लॉयों के लिए वो क्लेम करी गई है, कोई मेडल अलाउंसेस मिला हुआ है वो लेस कराए, तो नेट सैलरी से इनकम आ गई है जो साइड में लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक से जो आई हुई है और इंटरेस्ट ऑन FDR से जो आई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्रॉस टोटल इनकम हो गई है, इसमें आपको डिडक्शन लेस करनी है जो भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। 81 सेक्शन में 1.5 लाख तक की छूट है, आप सभी को पता होगा, और 80 TTA में सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पर 10,000 रुपये तक की छूट है। ठीक है दोस्तों, ये डिडक्शन क्लेम करी गई हुई है। टैक्सेबल इनकम ये आ गई, ये देखिए, इनकी एक इनकम एग्रीकल्चर इनकम से भी आई हुई है। एग्रीकल्चर इनकम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल इनकम इनकी ये आ गई है, टैक्स ड्यू क्या बना है, रिबेट ऑन एग्रीकल्चर इनकम क्या मिली है, टोटल टैक्स ड्यू, सेस ड्यू, इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ है, ये देखिए, ये कंप्यूटेशन तैयार कर लिया मैंने। अब चलते हैं ITR 2 कैसे भरते हैं। ITR 2 मैं आपको जो भरना सिखा रहा हूँ जावा यूटिलिटी में बता रहा हूँ। जावा यूटिलिटी आपको इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड करनी होगी। कैसे डाउनलोड करते हैं आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर बना के दूंगा कि जावा यूटिलिटी इनकम टैक्स की साइट से कैसे डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने डाउनलोड कर रखी है, इसे मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये जावा यूटिलिटी ओपन हो गया है। पार्ट ए जनरल, इसमें SSC का नाम, ठीक है दोस्तों, पैन नंबर उसका, डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस क्या है, एड्रेस, ठीक है दोस्तों, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर, ये सब भरना होता है। रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं, अगर आप टाइमली फाइल कर रहे हैं या लेट फाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सब भरना होता है।
जब किसी नोटिस के अगेंस्ट भर रहे हों तब ये सब डिटेल देनी होती है। ठीक है दोस्तों, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस में NRI है, रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये सब आपको देना होता है। यदि आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, इसमें भी दो कंडीशन है, 182 दिन से ज़्यादा रहे हैं तो आप रेसिडेंट माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 182 वाले सिलेक्ट करना है। ठीक है, अरल सेल में पूछ रहा है आपसे कि आपने जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं किसी रिप्रेजेंटेटिव असेसी से फाइल करवा रहे हैं, यदि करवाए तो यस करिएगा, नहीं करवाए तो नो करिए। ठीक है दोस्तों, हाँ ITR 2 इसलिए ही भरना ज़रूरी है, यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको ITR 2 ही भरना है। चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल पे, शेड्यूल एस पे, ये ओपन कर लिया है। इसमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयर पूछ रहे हैं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या अदर्स है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है दोस्तों, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, टेन ऑफ एम्प्लॉयर, स्टेट ऑफ एम्प्लॉयर, ये सब पूछा। नेचर ऑफ सैलरी पूछ रहे हैं, वो आपको देनी है कि सैलरी आपको कौन कौन से नेचर में प्राप्त हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये फिगर भरनी होती है। सैलरी हम इसमें अदर्स में सैलरी सेलेक्ट करके अदर्स कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने भर रखा है, ये देखिए इसमें जो आपके अलाउंसेस हैं, ये देखिए कंपटीशन में देख लीजिए, ये मैंने एनी अदर अलाउंसेस करके अलाउंसेस का नाम लिख दिया है, उसकी अमाउंट भी घेर दी है। ये देखिए, ये आपकी नेट सैलरी आ गई, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आई आ गया, जो 50,000 रुपये की डिडक्शन मिली हुई है हमें फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। ठीक है दोस्तों, और मेडल अलाउंस लेस कर, नेट सैलरी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी से ये आ गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, इनकम कहाँ से आई है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो चलते हैं शेड्यूल। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो ये भरना होगा, कैपिटल गेन से तो कैपिटल गेन वाला भरना होगा। ठीक है दोस्तों, अदर सोर्सेज से हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, इसलिए हम इनकम शेड्यूल OS भर रहे हैं। ये देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जो आई हुई है इनकम, ये देखिए इंटरेस्ट इनकम आई हुई है इनकी, ये ऑटोफिल होके आती है। यदि आपका TDS कटा है, सेविंग की फिगर आपको भरनी होगी। ठीक है दोस्तों, सेविंग से इंटरेस्ट कितना है ये फिगर आपको भरनी है इसके अंदर। FD से जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है या जिस पर TDS नहीं कटा है वो आपको भरना होगा, वरना ये ऑटोफिल होके आती है यदि आपका TDS कटा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल पे, करंट ईयर लॉसेस आफ्टर सेट ऑफ। ठीक है दोस्तों, कोई लॉसेस है नहीं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी नेट इनकम आ गई, जिस जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है उससे, ये देखिए कि कोई कैरी फॉरवर्ड अगर आपका प्रीवियस ईयर का कोई लॉस है वो आप क्लेम कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल पे, ये शेड्यूल 6A, इसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसकी डिटेल देनी होती है। ठीक है दोस्तों, 80C में आपने कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है दोस्तों, ये कौन से सेक्शन में भरी हैं आपने इन्वेस्टमेंट की हैं, तो हमने 80C में मेरे क्लाइंट ने करी हुई है 1,50,000 रुपये की, तो हमने यही फिगर 80C वाले कॉलम में दे दिए। ठीक है दोस्तों, ऐसी सेविंग पे 80TTA पे 10,000 रुपये तक की छूट है, सेक्शन 80TTA में सेविंग पे इंटरेस्ट जो मिला है आपको। ठीक है दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट आया है आपको, तो उसकी भी डिडक्शन क्लेम करनी है शेड्यूल 6A में ही। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 80TTA में, तो टोटल डिडक्शन होगी इनकी 1,60,000 रुपये। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट शेड्यूल पे, ये मैं ओपन करता हूँ, ये TDA, यदि आपने कोई मेडिकल पॉलिसी ले रखी है और क्लेम करना है तब आपको ये शेड्यूल भरना है, तो नहीं तो रहन दीजिए। 80G आपने कोई डोनेशन दी है गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में या PM केयर फंड्स में, तब आपको क्लेम करनी है तो कर सकते हैं इस वाले शेड्यूल से। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पेबल, यदि आप पे अप्लीकेबल हो तो भरना है, नहीं है तो नहीं, छोड़ देते हैं इसे। चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल पे, टैक्स एट स्पेशल रेट, यदि आपका कुछ है तब आपको देना है। चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल EI, एग्जेम्प्टेड इनकम, यदि आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तब आपको देनी है। एग्जेम्प्टेड इनकम जो भी है आपकी, वो आपको फिगर यहाँ पे देनी है,
जो भी आपने एग्रीकल्चर इनकम जो दिखाई थी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये मैंने यहाँ पे 35,000 दिखा दिए, ठीक है दोस्तों। उसकी मैंने रिबेट भी क्लेम करी है, ये देख लीजिए कंप्यूटेशन में, एग्रीकल्चर इनकम दिखा रखी थी मैंने, वही मैंने एग्जेम्प्टेड इनकम वाले कॉलम शेड्यूल में भरी है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये देखिए दोस्तों 35,000। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल पे। नेक्स्ट शेड्यूल है PTI, इसमें पास थ्रू इनकम डिटेल फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड एज पर सेक्शन 115UA 15UB। यदि कोई है तब आपको डिटेल भरनी है, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, हमारी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल पे। नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा, ये सारे शेड्यूल जो भी दे रखे हैं ये हमारे काम के नहीं है, चलते हैं फाइनल पे। ठीक है दोस्तों, शेड्यूल TR देख लेते हैं एक बार। शेड्यूल टी में समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम फॉर टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, यदि आप क्लेम कर सकते हैं। चलते हैं अपने मेन शेड्यूल पे, PTI में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ये देखिए दोस्तों, ये अपनी कंप्यूटेशन जरूर मैच कर लीजिए। इनकम फ्रॉम सेल ली आई थी वो मैंने मैच कर ली, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो आई हुई है वो मैंने मैच कर लिया है। ठीक है दोस्तों, टैक्सेबल डिडक्शन जो आपने क्लेम करी है वो आप एक बार मैच कर लीजिए, वही फिगर आ रही है। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी बननी है उसकी फिगर मैच कर लीजिए। एग्रीकल्चर इनकम आपने जो दिखाई है वो भी आ रही है। ठीक है दोस्तों, नेट टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी बनी है आपकी कंपटीशन से मैच होनी चाहिए। यदि आपकी मैच नहीं हुई तो आपने कहीं ना कहीं रिटर्न गलत भरी है, ठीक है दोस्तों। इसलिए कंपटीशन बनाना बहुत ज़रूरी है, टैक्स एट नॉर्मल रेट, ठीक है दोस्तों, ये जरूर मैच करिए। जो भी आपने कंपटीशन में कैलकुलेशन बनाई हुई है टैक्स की, वो आपकी कैलकुलेशन आपकी कंपटीशन से मैच होनी चाहिए। ये देखिए टैक्स ड्यू जो मैंने बनाया है वो आप सब आप मेरा मैच हो रहा है। रिबेट जो एग्रीकल्चर इनकम पे लिए वो मैच हो रही है, ठीक है दोस्तों। एजुकेशन सेस ये सब ऑटो कैलकुलेट होके आया है, लेकिन जो आपने कंपटीशन बनाई है उससे मैच होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मेरा टैक्स सेस और इंटरेस्ट ये मेरा मैच होना चाहिए, ये देखिए दोस्तों मेरा मैच है, यानी मैंने जो कंपटीशन बनाई है वो सही बनाई हुई है, और जो मैंने ITR भरी है वो भी सही भरी है, ठीक है दोस्तों। इसलिए कंपटीशन बनाना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन बिना बनाए कोई भी ITR नहीं भरनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए ये मैच हो गया, ये टैक्स पेबल जो भी बनना है आपका ई पे टैक्स में जाइए, ठीक है दोस्तों। TDS देख लीजिए, TDS वाले जो उसमें ऑटोफिल होके आया था शेड्यूल TTI में, ये TDS ऑटोफिल होता है, यही फिगर आपकी जब आप क्लेम करेंगे TDS में आपको क्लेम करनी होगी। ये फिगर देख लीजिए जो आपने कंपटीशन बनाई है, यही फिगर आपने TDS की क्लेम करी थी ना, ये मैच होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये इंटरेस्ट ऑन FDS आया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, ये सब भरना होता है। ये मैंने भर दिया TDS वाले कॉलम में, और टोटल TDS सेली से अदर एंड सेली जो आया हुआ है वही मैंने क्लेम किया, ये देखिए दोस्तों। उसे करने के बाद मेरा टैक्स पेबल बनना है, ठीक है दोस्तों, उसे आप ई पे टैक्स में जाइएगा, चलान ऑटो फिल होके आएगा, फिर आपको चलान की डिटेल, ये देखिए मैं ई पे टैक्स में जैसे जा रहा हूँ, ये देखिए कंटिन्यू टू NSDL पे ले गया, ये ऑटो फिल होके आ रहा है। इनकम टैक्स अदर देन कंपनी से सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, नेट बैंकिंग जो भी है आपकी बैंक सेलेक्ट करेगा, पैन नंबर आ गया है, असेसमेंट डिटेल जरूर चेक करिए, पैन नंबर देख लीजिएगा, ये वैसे ऑटो फिल होके आता है, गलती होने के चांस कम है लेकिन फिर भी चेक कर लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। टैक्स अमाउंट ऑटो फिल होके आइए, कैप्चा कोड डालिए और प्रोसीड कर दीजिए, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद ये आपको अपने आपके बैंक के पोर्टल पे ले आएगा, वहाँ पे जाके आप अपना चालान जमा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चालान डिपॉजिट करने के बाद आपको शेड्यूल IT इनकम टैक्स में चालान डिटेल सारी भरनी होगी, ये देखिए शेड्यूल IT में खोल के दिखाता हूँ अभी आपको। ये चालान जमा करने के बाद आपको चालान का जो BSR कोड मिलता है, BSR कोड भरना होता है, डेट ऑफ डिपॉजिट भरनी होगी, CL नंबर ऑफ चालान भरना होगा और अमाउंट भरनी होगी, ठीक है दोस्तों। ये सब भरने के बाद आप रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद।